चांचौड़ा में नाबालिग छात्रा से गैंग रेप के बाद ग्वालियर आईजी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं और छात्राओं ने रैली निकालकर चांचौड़ा में उग्र प्रदर्शन करते हुए गैंग रेप करने वाले आरोपितों को फांसी देने की मांग की है। इस दौरान अन्य छात्र संगठन भी सड़कों पर उतरकर चांचौड़ा की निर्भया को न्याय दिलाने की मांग करते नजर आए। नगर के वार्ड क्रमांक 9 में एक आरोपित का घर दोपहर 1 बजे बुलडोजर से ढहा दिया गया है। अपर कलेक्टर ने बताया कि 3 आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वीनागंज चंचौड़ा में रविवार की सुबह 11:30 बजे सैकड़ों की संख्या में छात्राएं और महिलाएं घरों से बाहर निकली। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की। SDM वीरेंद्र सिंह बघेल ने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। आक्रोशित महिलाओं और SDM के बीच जमकर मुंहवाद भी हुआ। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी रैली निकाल कर धरना देकर प्रदर्शन किया, साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग भी की है। चांचौड़ा बीनागंज में नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के बाद बीती आधी रात को थाना प्रभारी रवि गुप्ता को लाइन अटैच कर दिया है। उनकी जगह पर बलवीर सिंह गौर को चांचौड़ा का थाना प्रभारी बनाया गया है। गैंग रेप पीड़िता के पिता ने 8 दिन पहले थाना प्रभारी को आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि चांचौड़ा के युवक स्कूल जाते समय उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी थाना प्रभारी चांचौड़ा ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप करने वाले आरोपितों के घरों पर दोपहर 1 बजे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। अभी हाल में बीनागंज में 3 आरोपितों के घरों में बुलडोजर ढहाया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। अपर कलेक्टर आदित्य सिंह और एडिशनल SP विनोद सिंह मौके पर मौजूद थे। पीड़िता के पिता ने कहा कि थाना प्रभारी रवि गुप्ता के प्राइवेट ड्राइवर संजू माली ने भी उसकी बेटी के साथ दुष्कृत किया है। वहीं पीड़िता के साथ दुष्कर्म के बाद भी वह थाना प्रभारी के साथ उनका वाहन चलाकर अस्पताल तक गया था। पीड़िता के पिता ने कहा कि जब थाना प्रभारी का ड्राइवर ही दुष्कर्म कर रहा है, तो ऐसे में थाना प्रभारी से क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है। एडिशनल SP विनोद सिंह ने बताया कि चांचौड़ा थाने में जब यहां पदस्थ ड्राइवर अवकाश पर जाता था, तब थाना प्रभारी आरोपी संजू माली को वाहन चलाने के लिए बुलाते थे। यह थाना प्रभारी का प्राइवेट ड्राइवर था, यह सही बात है। हेलो, जी बोल रहा हूँ। अच्छा, जा जा।